हे गाइस हे गाइस हे गाइस, एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट रुकते हैं बेटा, एक सेकंड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, एक बार मैं देख लूँ लाइव है कि नहीं है। अरे अभी तक आदित्य सर ने क्लास बंद नहीं करी? सर को बोलो, सर ऐसा नहीं चलेगा, हम अनशन पे बैठ जाएंगे। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या बेटा? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या बेटा? चलो आदित्य सर को बोलो, बोलना सर हम अनशन पे बैठ जाएंगे, आप ज़्यादा बोलोगे तो। चलो एक बार सब लोग जो है चलो चलो एक सेकेंड, सब क्लियर है बेटा? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चलो शुरू करें फिर बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को। चलो बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को शुरू करते हैं। ठीक है, आ गए होंगे मेरे हिसाब से सभी लोग। मैं एक बार इसकी लिंक जो है अभी हम लोग थ्योरी रिवाइज करने वाले हैं, पूरा का पूरा थ्योरी रिविजन ऑफ प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए। हम सब लोगों को शायद पता भी है ये बात, दैट थ्योरी इज़ द की। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है बेटा। चलो चालू करें। ओके मैं एक बार इसे देख लेता हूँ, कहीं है क्या थ्योरी? NUT है, पता नहीं कौन सा है, TPD भी रिवीजन में पड़ा हुआ है, ये भी। अरे तो इतने सारी फाइल्स हो गई है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि कितनी सारी फाइल्स हो गई है। ये हमारा कंडीशन प्रॉपर्टी भी रेडी है, ठीक है। हाँ ये देखो इतने सारे सेक्शन हो गए ना कि अब तो ऐसा लगता है कि भैया सेक्शन ही सेक्शन भर गए। एक दिन तो दिल करेगा कि फॉर्मेट मार देंगे अपन लैपटॉप कंप्यूटर को। वो क्या होगा, एक दिन गुस्से में आना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली सच्चाई कैसे होगी, एक दिन गुस्से में आना पड़ेगा तब जाके काम होगा, वरना होगा नहीं। चलो एनीवेज, हे गाइस हे गाइस हे गाइस, साइड फ्रॉम कंफ्यूजन डॉट, स्वागत है अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग रिवाइज करने वाले हैं पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी हम सब लोग जानते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मोर ओवर प्रोबेबिलिटी थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो भैया हमें मालूम है कि इंपॉर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। चलिए कुछ बातें करते हैं, जल्दी से अपन आते हैं, और मैं ज़्यादातर लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ के ही बता दोगे। मतलब क्या होगा, मैं नाम लिखूंगा और आपको नाम याद होने चाहिए, सो दैट अगर आपको नाम याद है तो मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मज़ा आएगा वरना मज़ा नहीं आएगा। चलिए सर फर्स्ट चीज़ पे आते हैं, फर्स्ट पाते हैं। अच्छा प्रोबेबिलिटी का खुद का मतलब क्या होता है? देखो प्रोबेबिलिटी का खुद का मतलब होता है चांस ऑफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट। हाँ या ना, किसी के होने की या न होने की जो चीज़ है वो प्रोबेबिलिटी है क्या? बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या ये चांस है क्या? हाँ अच्छा, चांस ऑफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, बात को ध्यान से देना बेटा। मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम एग्जाम में पास होगे और क्या पॉसिबिलिटी कि तुम एग्जाम में पास नहीं होगे, और क्योंकि जरूरत होने एग्जाम में पास होने वाला जिंदगी में पास होगा, बात को समझेंगे। तो किसी भी चीज के होने की और न होने की जो प्रॉपर्टी निकाली जाती है वो होती है चांस। यस, अब मुझे बताओ इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ ए, प्रॉपर्टी ऑफ बी, प्रॉपर्टी ऑफ बी, यस और नो? यस सर। अच्छा किसी के होने की और न होने की पॉसिबिलिटी को अगर सम कर दिया जाए तो क्या आंसर वन होता है क्या? हाँ, यानी एक बात समझो, तुम पास होगे इसकी पॉसिबिलिटी है 90%, यानी 1/9, खुश हो जाओ। और ऐसा 1.1/0.9 ऐसा करके अपन कुछ कर सकते हैं तो भैया मतलब कैसे भी करेंगे, कहानी घर घर की वही रहेगी। मतलब हेड आएगा इसकी पॉसिबिलिटी 1/2, हेड नहीं आएगा उसकी पॉसिबिलिटी भी 1/2 है। क्यों? क्योंकि हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 है, टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 है। 1/2 + 1/2 कितना होता है 1। मतलब किसी भी चीज़ के होने की या न होने की जो पॉसिबिलिटी है वो है प्रोबेबिलिटी 1 ओनली। कोई प्रॉब्लम है क्या इसके ऊपर? नहीं सर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मुझे एक बात याद आती है, अगर मुझे किसी के होने की पॉसिबिलिटी पता है तो क्या मतलब 1 - न होने की प्रोबेबिलिटी पता है, मतलब अगर किसी के, अरे इन शॉर्ट यार समझ लो यार तुम लोग यार, ठीक है एकदम सिंपल है, अगर होने की पता लगाने तो 1 - ना होने की करेंगे, ठीक है, एंड न होने की निकालनी है तो 1 - होने की करेंगे, बोलो हाँ या ना? हाँ सर,
ये बात तो बचपन वाली है, बचपन में पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था सर, बहुत बचपन थे जब छोटे थे तब पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ, सेकंड, सेकंड क्या होता है सर? सेकंड होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलता है चीज़ें रैंडम होनी चाहिए? हाँ सर, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है चीज़ें रैंडम होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मान लो मैंने अर्नव को पहले 2 रुपये दे दिए थे, अब मैंने अर्नव को पहले 2 रुपये दे दिए थे, अब अगर मैंने अर्नव से पूछा भाई चाय पीते हो कॉफ़ी पीते हो, तो अर्नव ने कहा सर चाय पीता हूँ क्योंकि मैंने उसको 2 रुपये दिए थे, क्या ये प्रोबेबिलिटी निकलेगी क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये बिक गया है, अर्नव बिका हुआ है, ठीक है। अब अर्नब का सरनेम गोस्वामी नहीं है, ठीक है, तो अर्नब बिक क्या है? अब एक बात समझो, अर्नब क्या है? वो रैंडम एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार चीज़ें जो है वो रैंडम होनी चाहिए क्या? हाँ सर, चीज़ें जो है वो रैंडम होनी चाहिए। रैंडम मतलब क्या है? अचानक से कुछ भी होनी चाहिए। बोलो यार बेटा। हाँ, अर्नब सरकार है वो, ठीक है, बस मैंने सोचा बता दूँ, फिर फोकट में क्या है लोग गलत गलत नाम सोचने लग जाते हैं। अर्नब हमारी क्लास में बैठा हुआ बच्चा है। चलिए, अच्छा दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है इक्वली लाइकली। इक्वली से पहले समझते हैं सैंपल स्पेस क्या होता है। सर ये सैंपल स्पेस क्या होता है? देखो सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ का सैंपल निकाल रहे हो। अब सो सैंपल निकाल रहे हैं मतलब, अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता, नाम पे मत जाओ। सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस और ना बेटा? हाँ सर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सैंपल स्पेस। जैसे कि एक बात को समझते हैं, एकदम सिंपल सी बातें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। एक डाइस थ्रो किया, टोटल केसेस कितने हैं सर? 6। एक हम दो डाइस थ्रो करें, टोटल कैसे कितने हो गए? 6 × 6 = 36। यानी क्या मैं इसे टोटल आउटकम्स कह सकता हूँ क्या? क्या मैं इसे टोटल आउटकम्स भी कह सकता हूँ क्या? हाँ सर, मैं इसे टोटल आउटकम्स भी कह सकता हूँ। तो टोटल आउटकम्स ही तो सैंपल स्पेस है। अच्छा 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 फिर सर इवेंट क्या होता है? हर चीज़ एक इवेंट है। मुझे एक बात बताओ, हर चीज़ एक इवेंट है। जोरावर बड़ा होके विलन बनेगा, ये भी एक इवेंट है। जोरावर बड़ा होके विलन नहीं बनेगा, ये भी एक इवेंट है। अरे जैसे एक डाइस में एक कॉइन टॉस करने पे हेड आएगा, वो भी इवेंट है। टेल आएगा, वो भी इवेंट है। एक डाइस थ्रो करने पे 1 भी इवेंट है, 2 भी इवेंट है, 3 भी इवेंट है, 4 भी इवेंट है। हर चीज़ इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब इवेंट है क्या? हाँ सर। हमारी क्लास में महक बदबू मारेगी, ये भी एक इवेंट है। बात को समझ रहे हो क्या? हाँ, हर चीज़ एक इवेंट है बेटा, हर चीज़ एक इवेंट है। तो इवेंट मतलब क्या? जो भी हो रहा है दुनिया में वो इवेंट है। लेकिन यहां पे एक चीज आती है जिसका नाम है फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या होता है? फेवरेबल आउटकम क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस देश का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि फेवरेबल आउटकम होता क्या है। तो सर मेरी बात को ध्यान से सुनना, फेवरेबल आउटकम मतलब जिस चीज को हम फेवर कर रहे हैं। अब हम किसी चीज को फेवर कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो हमारी क्लास में बैठा है अंकित कपाड़िया, क्या पॉसिबिलिटी कि इसकी शादी अनु से होगी? मैं बात कर रहा हूँ अनुपमा वाली अनु की, ठीक है, क्योंकि कपाड़िया एम्पायर का मालिक है ये। अब सुनो मेरी बात, दो ऑप्शन है इसके पास, एक है काव्या से शादी कर सकता है, एक है अनुपमा से शादी कर सकता है। अब दोनों क्या है? दोनों सैंपल स्पेस है, किसी से भी शादी हो वो इवेंट है, समझ रहे हो क्या? लेकिन अनु अंकित चाहता है, अंकित था ना ये, कौन ना कपाड़िया, चलो छोड़ो, कपाड़िया साहब चाहते हैं कि इनकी शादी अनु से हो, ये फेवरेबल है। दोनों सैंपल स्पेस है, किसी से भी हो, अनु से होगी या उससे होगी, दोनों ही हमारे लिए इवेंट है। लेकिन दिल चाहता है हम ना रहें कभी अनु के बिन, ये गाना गाया अगर कपाड़िया ने तो उसका फेवर उसको जा रहा है। बात समझ रहे हो क्या? बात समझ रहे हो क्या? हाँ, मतलब जिसकी तरफ आपका रुझाव है, जिसकी तरफ आपका झुकाव है, उसे हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। अरे सिंपल है ना, जिसे हम फेवर कर रहे हैं। यस और ना बेटा? हाँ, जैसे सूरज हमारी क्लास में बैठा है, सूरज चांदनी को देख के मुस्काता है, सूरज चांदनी को देख के महक जाता है, क्या बात है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। लेकिन इस पूरे केस में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इक्वली लाइकली होना चाहिए भैया। अब एक सवाल आता है,
इक्वली लाइकली मतलब क्या? वॉट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली? देखो, इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि सब इक्वल है। मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे कपाड़िया साहब काव्य से भी शादी कर सकते हैं? हाँ, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 1/2। कपाड़िया अनु से भी शादी कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 1/2। मतलब उसकी शादी किसी से भी हो, उसकी पॉसिबिलिटी 1/2 ही है। अरे हेलो, लाइक सूरज चांदनी को देखेगा, महकते हुए बंद वो देखेगा, पर्सन को देखेगा, या पूजा को देखेगा, या आरती को देखेगा? चार ऑप्शन है, चारों की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/4। बोलो यार, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपकी जब पॉसिबिलिटी, अच्छा एक 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 अपन ने डाइस थ्रो किया, लेट सपोज वी थ्रो ना डाइस, हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? सॉरी, डाइस में हेड कहाँ से आएगा? डाइस थ्रो किया, 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/6। 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/6। 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/6। 4, 1/6। 5, 1/6। 6, 1/6। अरे भैया, सबके आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है क्या? तो चूंकि सबके आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करता हूं आपसे इस चीज की, हमारे ठीक है, नेक्स्ट चीज की, तो भैया मुझे एक और चीज बताओ, अगर अपन कार्ड थ्रो करते हैं तो क्या कार्ड में सबकी पॉसिबिलिटी 1/2 सॉरी कार्ड, अरे यार शिट, क्या कार्ड में, एक सेकेंड, अरे बाप रे, क्या कार्ड की सबकी पॉसिबिलिटी 1/52 हो जाती है क्या? हाँ सर, कार्ड कोई भी हो उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है 1/52। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। चलो नेक्स्ट, और कोई बचा क्या? पहले ही बता दो। नहीं सर, सब क्लियर है क्या यहाँ पे? हाँ, प्रोबेबिलिटी हमें पता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें पता है, सैंपल स्पेस हमें पता है, इवेंट हमें पता है, फेवरेबल आउटकम हमें पता है, इक्वली लाइकली हमें पता है। क्या ये सारी बातें आपको पता है? हाँ सर, पता तो है, बस कहाँ यूज़ करनी है ये नहीं पता। फिर एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है बेटा? जिसमें सारे इवेंट को जोड़ने की ताकत होती है। क्या उससे नहीं, कंडीशनल प्रॉपर्टी कल होगा, कंडीशनल प्रॉपर्टी आज नहीं होगा बेटा, कंडीशनल प्रॉपर्टी कल होगा, ठीक है। क्या जो सबको साथ में लेके चले वो एग्जॉस्टिव इवेंट है क्या? हाँ सर, जो सबको साथ में लेके चले वो एग्जॉस्टिव इवेंट है। जैसे प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 1। पर सर एक मन में सवाल आया, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, वॉशरूम जाता हूं, ख्याल चले जाता है, ए यूनियन बी यूनियन सी अगर देख रखा हो, ये भी 1 होता है क्या? एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या हुआ बेटा? यानी अगर हमारे हमारी दो ऑब्जर्वेशन होगी मैं आपको बताता हूँ, मैं और राहुल मलकान सर एक बार, हम मतलब लास्ट ईयर टीचर्स डे के ऊपर अनअकैडमी ने एक इवेंट रखा था, ठीक है, लास्ट ईयर टीचर्स डे के ऊपर अनअकैडमी ने एक इवेंट रखा था। तो भैया जब अनअकैडमी ने एक इवेंट रखा था तो उसके अंदर क्या था, गेम खेल रहे थे हम लोग, ठीक है, वी ऑल वर प्लेइंग गेम। तो हमें मिला था, मुझे मिला था एक टास्क, मतलब हम लोगों को ऐसा एक्टिंग, मतलब एक्टिंग तो कर नहीं सकते थे हम लोग, पर हमें नाम नहीं लेना है लेकिन बताना है वो चीज़ क्या है। तो मेरे मुझे मैं और राहुल सर एक टीम में थे, तो मुझे बताना था, राहुल सर को गेस करना था। तो मेरे सामने आया मोबाइल, तो मुझे राहुल सर को बताना है मोबाइल, लेकिन राहुल मलकान सर बोल नहीं सकते, मतलब मैं बोल नहीं सकता कि मोबाइल है। अब मैं ये भी नहीं कर सकता ध्वनि यंत्र, ये सब यूज़ नहीं कर सकता था। हम जीते थे वो गेम। अनअकैडमी ने हमको 5,000 रुपये दिए थे उस गेम को जीतने के लिए। तो अब वो क्या हुआ, हमने गेम खेला, अब मुझे राहुल सर को बताना था मोबाइल। मैंने राहुल सर को बोला, मतलब जिस चीज़ के साथ हम वॉशरूम में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मैंने बोला और राहुल सर ने गैस किया, वी विन द गेम। मतलब ये जो हमारा सेगमेंट था वो हमने 5 सेकेंड के अंदर पूरा कर लिया, 5 सेकेंड के अंदर, जस्ट इमेजिन। तो सिर्फ इस गेम के सिर्फ इस पारी के चक्कर में हम पूरा गेम जीत गए थे।
तो उस दिन मुझे समझ में आया था कि एक दो लोग नहीं, पूरी दुनिया ऐसी है, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे हो तो बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है, खुद को कोस लो, कोई बुराई नहीं उसके अंदर, बट पूरी दुनिया ऐसी है ना। हाँ, अरे वो क्या मज़ा आया था। अरे ऐसा नहीं कि बाकी मामले आ रहे, हम हारे भी दो तीन गेम, लेकिन ये ऐसा था कि हमें मज़ा आ गया था। और पूरा मतलब हम लोग कुछ अराउंड 10-12 फैकल्टीज थे, एक दो मैनेजमेंट वाले लोग थे, हम सब लोग हंसे हैं 2-3 मिनट तक तो क्योंकि सब एकदम ऐसे हो गए थे कि अरे बाप रे क्या करे, करना पड़ता है, देखो पापी पेट का सवाल है, बहुत कुछ करना पड़ता है दुनिया में। एनीवेज, एट एट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बहुत मजे किए रे जिंदगी में, बहुत मजे किए, बहुत बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नहीं नहीं वो सवाल 500 रुपये का नहीं था, जो जीतेगा उसको 500 रुपये मिलने थे। भैया हमको ऐसी खुशी हुई थी, मतलब वो मैच जीत के हमको ऐसा लगा था कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो ओके, एनीवेज चलो, एक सेकेंड गाइस। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? अगर एक आ गया तो दूसरे को नहीं आने देगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग वो गेम जीते थे? हाँ सर, हम लोग वो जीते थे। क्या हमने किसी और को वो गेम जीतने दिया क्या? सर अगर आप जीत गए तो किसी और को कैसे जीतने दोगे? मतलब जब किसी के अंदर एक ही इंसान हो सकता है तो वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे मान लो आपने कॉइन टॉस किया, अब अगर हेड आ गया तो टेल आ सकता है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या कोई कॉमन चीज हो सकती है क्या? क्या दो पार्टियां जीत सकती है? सर मान लो मैच ड्रॉ हो गया तो वो एक अलग कंडीशन है ना यार, समझ रहे हो क्या? फिर वो एक अलग कंडीशन है। बस मुद्दा कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो। मतलब क्या हो गया बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब मैंने आपको 2-3 बार क्वेश्चन भी करवाए हैं और बताया भी है दैट ये एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन घुमा फिरा के आता है। दैट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। अब वो चाहे कुछ भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1, चाहे कुछ भी हो, वो वही होगा। और एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। ऐसा, ये बात हमें पता है क्या? हाँ सर हमें पता है ये बात। नेक्स्ट, नाइन्थ क्या है? तो खत्म हो गया ना, बट मैं आपको समझा देता हूँ। बहनों, अरे वाह, बहनों और उनके उनके भैया लाइक कर दो सेशन को। हाँ सब लोग लाइक कर दो तो सेशन को, जल्दी से लाइक कर दो। तो महक ने बोला लड़को तुम तो पहले कर दो बेटा, ठीक है महक ने बोला जल्दी कर दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमें कहीं भी और दे के रखा होता है तो और के अंदर क्या हम लोग प्लस करते हैं क्या? और के अंदर क्या हम लोग प्लस करते हैं क्या? हाँ सर और के अंदर हम लोग प्लस करते हैं, और एंड के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को समझो, इस बात को समझो। कहने का मतलब क्या है कि भैया और होता है प्लस, क्योंकि ये है ऑप्शनल, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए और में होता है प्लस, एंड में होता है मल्टीप्लाई। कोई डाउट है क्या? बोलो ना, कोई डाउट है क्या? चलो इज इट डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि इस क्लास के अंदर हमको एक और चीज़ ख़त्म करनी है, वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू। चलिए आइए फिर हमारे पॉइंट पे आते हैं। कंडीशनल प्रॉपर्टी हम अगली क्लास में रिवाइज करेंगे, बिकॉज एक क्लास में ज़्यादा नहीं कर पाएंगे हम लोग। एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्या बहुत भारी डेफिनेशन लिखी थी क्या अपन लोगों ने? यार मैं बता रहा हूँ, कोई महक बेटा थोड़ा लैंग्वेज को ध्यान रखो यार, है ना, किसी को बुरा बुरा लग जाएगा यार फोकट में। चलो एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर ये क्लास प्लस पे होती तो इसको कॉल पे लेके अपन चिल्ला देते,
पर एक क्लास यूट्यूब पे चिल्ला भी नहीं सकते, बट लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शोज फ्रॉम विच फैमिली यू आर कमिंग फ्रॉम, है ना महक जी, दैट शोज फ्रॉम विच फैमिली यू आर कमिंग फ्रॉम। तो प्लीज़ रिप्रेजेंट अ गुड फैमिली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा संस्कारी फैमिली प्रेजेंट कर रहे हो, इतना हमको नहीं चाहिए होता है, इतना हमको अलाउड नहीं होता ना बेटा, इसलिए बता रहा हूँ। सर एक बार इंडिपेंडेंट इवेंट रह गया क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है बेटा? नाइन्थ होता था इंडिपेंडेंट इवेंट, पहले आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या होता था? किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता, जैसे महक को क्या किसी और के पास होने या फेल होने से फर्क पड़ता है क्या? नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। अरे भैया महक इंडिपेंडेंट है, पायल इंडिपेंडेंट है, संगू डिपेंडेंट है, वो अलग बात है, बट ये सब इंडिपेंडेंट है क्या? हाँ सर ये सब इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया? जिसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है वो होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, और डिपेंडेंट इवेंट मतलब जिसको किसी से फ़र्क पड़ता है वो डिपेंडेंट इवेंट है। कोई डाउट? नहीं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है? देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू में अपन ने बहुत भारी डेफिनेशन लिखी थी, लेकिन हिंदी में अगर कहूं तो इतना सा मतलब था, इट इज मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाँ या ना? क्या ये सिंपली मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है क्या? हाँ सर एकदम सिंपली ये मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? सर एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन है। अच्छा मीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आइदर ई ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो रिप्रेजेंट म्यू से करते हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तब लिखते हैं ई एक्स से, पर दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, एज सच कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है? सर इसका फॉर्मूला है सबमिशन ऑफ एक्स इंटू पी। याद आ रहा है क्या? सर सूना सूना तो लग रहा है, लेकिन हमारा भी जग सूना सूना लगा पड़ा है। क्या हो गया? म्यू इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स इंटू पी। आइए सर समझते हैं। जैसे कि हम लोग आते हैं हमारे इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन लोग। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, x और p आपको दे के रखा है, 5, 10, 15, 20। ओ भाइयों बहनों वालों आ जाओ, चलो इधर ध्यान दे लो। प्रोबेबिलिटी देख रखिए 0.3, 0.2, 0.4 एंड 0.1। क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हो क्या? सर क्या करेंगे अपन लोग? कैलकुलेटर उठाएंगे। 5 × 0.3 = m+, 10 × 0.2 = m+, 15 × 0.4 = m+, 20 × 0.1 = m+, MRC। क्या हमारा एक्स बार 11 point, मतलब हाँ एक्स बार बोलते नहीं यहाँ पे बोलते हैं मीन है। तो क्या मीन हमारा 11.5 आ रहा है क्या? हाँ सर मीन हमारा 11.5 आ रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मीन हो गया हमारा 11.5, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी क्या हम लोगों ने? कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू याद आ रही है क्या? क्या था? e of x plus y is obviously e of x plus e of y। ओ मेरे भाई कुछ याद आ रहा है क्या? जैसे ई ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ वाई। हेलो, एंड ई ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? याद आ रहा है? याद आने से फिर जाने से क्या भूल
जा रहा है। चलो फिर क्या वेरियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ जाऊं क्या? क्या वेरियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ जाऊं क्या? हाँ सर, वेरियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा था। और प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसे एक आदमी पांच पांच बार भी खत्म कर लेना तो भी देता है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट होता है वेरियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब वेरियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। वेरियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति जो वेरियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता सकता है? बिकॉज मुझे लगता है आप सब लोगों को आना चाहिए वेरियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। सर वेरियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के दो फॉर्म लेते हैं। अब वेरियंस में कुछ लिखना की जरूरत नहीं कि वेरियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से वेरियंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, पर सर ये दो मेथड में डिवाइडेड था जितना मुझे याद आ रहा है। एक था हमारा थ्योरेटिकल फॉर्मूला, एक था हमारा प्रैक्टिकल फॉर्मूला। अब जब मैं बात कर रहा हूँ हमारे थ्योरेटिकल फॉर्मूले की, मतलब जो फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, वो है वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और एक था हमारा वेरियंस ऑफ एक्स का, मुझे एक बार बताओ क्या मैं ई ऑफ एक्स को म्यू लिख सकता हूं क्या? लेकिन क्या इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व किया जा सकता है क्या? नहीं, इस क्वेश्चन का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करना रहता है। एकदम मतलब सिंपल, शानदार, जानदार, मजेदार। समझ रहे हो क्या बेटा सब लोग बात को? सो जब आप किसी क्वेश्चन को सिंपल, शानदार, जानदार, मजेदार तरीके से सॉल्व करते हो तब अपन इसको लिखते हैं। लेकिन अब आती है बारी सॉल्व करने वाले फॉर्मूले की। सॉल्व करने वाला फॉर्मूला कैसा होता है? वो होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। याद आ रहा है? अरे बोलो रे, कोई डाउट है क्या? और क्या हम ई ऑफ एक्स को म्यू भी लिखते हैं क्या? हाँ सर, बात तो आपकी सही है, हम ई ऑफ एक्स को म्यू भी लिखते हैं। तो वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ये म्यू हो जाता है, म्यू का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम से न मारे बिचारी मैं है को। अब ई ऑफ एक्स क्या होता है सर? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ई ऑफ एक्स म्यू होता है। अबे गधों, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। फॉर्मूला होता है सबमिशन ऑफ एक्स इंटू पी। हाँ या ना? हाँ, ये तो हम सब लोग जानते हैं। और व्हाट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर? सब भूल गए बेटा, भूल गए, हम भूल गए रे हर बात। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होने वाला है फ्रॉम अक्टूबर, प्रोबेबिलिटी में टाइम लगने वाला है, ठीक है? सो प्रोबेबिलिटी में टाइम लगने वाला है, ऐसा सीन है, ठीक है? प्रॉपर्टी में टाइम लगने वाला है, कुछ नहीं कर सकते, टाइम लगेगा लगेगा। चलो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी। क्योंकि हम लोग क्या पी का स्क्वायर डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या? नहीं सर, डायरेक्टली पी का स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता। प्रॉबेबिलिटी का स्क्वायर कैसे करोगे आप डायरेक्टली? बोलो यार, कोई प्रॉब्लम इस बारे में? तो भैया हम लोग ई ऑफ एक्स स्क्वायर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। क्या कहता क्वेश्चन करें? चलो एक आधा क्वेश्चन करते हैं। मतलब अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बेसिक सी चीज़ है जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, और जब तक नहीं किया जाए तब तक मज़ा नहीं आता, इसलिए अपन इसको एक आधा क्वेश्चन करके चलते हैं। चलो लिख लिया क्या? मैं तो बोलता हूँ इस फॉर्मूले को एक बार लिख लो। ये फॉर्मूला इसलिए अपनी कॉपी में लिख लो क्योंकि दिमाग में तब तक नहीं लिखाएगा जब तक कॉपी में दो चार बार नहीं लिखवाएगा। बोलो
हाँ लिख लिया बेटा सब लोगों ने। बोलो यार। चलो एक क्वेश्चन हो जाए। फाइंड दी वेरियंस। ट्राई करना चाहोगे कि आप लोग मैं रुकूं क्या? सर हम ट्राई करेंगे, आप कैसी बात करो, ऐसी छोटी छोटी बातें मत क्या करो, हम ट्राई करेंगे और हम ही ट्राई करेंगे। मैं तो चाहता हूँ आप ही ट्राई करो और आप ही ट्राई करो। एक्स देख रखा और पी देख रखा है, पांच आठ दस, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। पॉइंट सिक्स, पॉइंट थ्री, पॉइंट वन। चलो एक बार ट्राई करेंगे सब लोग। बोलो बेटा। हाँ फाइनल आंसर बता रहे बेटा। ओके वेट कर रहे बेटा, थोड़ा जल्दी करेंगे यार सब लोग यार। बोल बेटा। जिंदगी का सफर। अबे कशिश के अलावा किसी और की अभी तक आंसर नहीं आया यार, क्या कर रहे तुम लोग यार जिंदगी में? कोई सेंस ही नहीं है यार। चलो मैं करवाना चालू करता हूँ, तब तक कुछ लोगों का आएगा, कुछ लोगों का आएगा, बट अभी तक किसी का नहीं आया। हाँ पूजा ने, अच्छा संगू का ध्यान फिर से कहीं और है, अर्नब का भी ध्यान कहीं और है, ये लोग जो है ये दोनों का ध्यान थोड़ा कहीं और हो जाता है बेचारे बेचारे पुअर पीपल। चलो मैं आपको करवा देता हूँ। क्या सबसे पहले आपको इसका एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा? हाँ पर हम अलग अलग नहीं निकालते हैं, सबसे पहले निकाल देते हैं एक्स पी, देन निकालेंगे एक्स स्क्वायर इंटू पी। ठीक है चलो एक्स पी कितना होगा? अच्छा और अखिलेश भाई तो 4.27 पे जा रहे। चलो 5 × 0.6 इक्वल्स टू एम प्लस, 8 × 0.3 इक्वल्स टू एम प्लस, 10 × 0.1 इक्वल्स टू एम प्लस एम आर सी। क्या सब लोगों का मीन 6.4 आ रहा है क्या? क्या सब लोगों का मीन 6.4 आ रहा है क्या? हाँ अच्छा 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 अब अपन ट्राई करते हैं एक्स स्क्वायर पी कितना रहा है। 5 × (0.6) इक्वल्स टू एम प्लस, 8 × (0.3) इक्वल्स टू एम प्लस, 10 × (0.1) इक्वल्स टू एम प्लस एम आर सी। क्या ये हमारा 442.2 आ रहा है क्या? अब अगर अपन लोग इसके ऊपर आए तो क्या ई, अच्छा मतलब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मेरे को लिखना पड़ता है बट मैं लिखना नहीं चाहता। फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो भैया व्हाट इज ई ऑफ एक्स? अच्छा इसको क्या लिखेंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी माइनस में सबमिशन ऑफ एक्स पी। अब ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 44.2 माइनस 6.4 का स्क्वायर। तो 44.2, अच्छा पहले 6.4 के स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं यार, ये 40.96। तो 44.2 माइनस 40.96। अभी भी देखो जोरावर बेटा, तभी मैं विलन बोलता हूँ बेटा आपको, आप समझते नहीं भावनाओं को, किसी की भावनाओं की कदर ही नहीं है। एक विलन आदमी के अंदर यही खूबी होनी चाहिए। क्या फाइनल आंसर 3.24 आ रहा है क्या?
मतलब जिन लोगों का मैंने नाम बोला था कि इन्होंने गलत किया है, क्या बेचारे वही गरीब गरीब लोग सही थे क्या? क्या बेचारे वही गरीब लोग सही थे क्या? एंड बाकी सब बेशरम लोग गलत थे क्या? बोलो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो, प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो। अब आप बाद में आप बोलते हो कि सर यार हमारा आंसर नहीं आ रहा है। अरे भैया तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो। आधे लोगों ने 6.4 वैल्यू निकाल के आंसर डाल दिया था, जबकि अगर मैं नाम लूं तो सबसे पहले सही आंसर देने वाले हमारे मित्र हैं। पायल ने 3.14 दिया इसलिए गलत है। अखिलेश मेरे सबसे सबसे पहला बंदा था जिसने आंसर सही दिया था। नहीं नहीं अखिलेश से पहले लोगों ने दिया था, सॉरी। अर्नब सरकार ने सबसे पहले सही आंसर दिया था। संगू का तो ध्यान कहीं और रहता था, तो उसने 3.24 को 3.3 मान लिया होगा। और अभिजीत ने सही दिया था, बाकी लोगों ने गलत ध्यान दिया। और उत्कर्ष मैंने तो सही 3.3 बोला ना बेटा, 3.24 है ना आप 3. मैंने बोला तो बोला आपका सही था ऑलमोस्ट, बट ठीक है। और लोगों ने क्या करा, अच्छा देखो फॉर्मूले की रीडिंग अच्छी नहीं है। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, गलती एक और जगह हो रही है। आपने क्या किया, एक दो लोगों ने क्या किया, एक दो लोगों ने 44.2 माइनस 6.4 कर दिया, मिस कर दी ना आप लोगों ने वैल्यू। एक और क्वेश्चन करके छुट्टी करें बेटा, रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। देखो वैसे तो मेरी टारगेट है आप लोगों की रात की नींद हराम कर दें, बट ठीक है। एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी पॉइंट टू पॉइंट फोर पॉइंट थ्री पॉइंट वन। चलो सॉल्व करेंगे एक बार सब लोग। बोलो हाँ, स्क्रीन ब्लर दिख रही है सर। नहीं बेटा यहां से एकदम क्लियर है अभी तो। एक दो दिन में तो और सेटअप इतना अच्छा हो जाएगा। एक दो दिन बाद मैं जितने भी लाइव लूंगा वो सब बोर्ड पे लूंगा, सारी की सारी बोर्ड पे आएंगी। भैया हुआ क्या? बोलो यार। विशाल भाई का आंसर आया है, मुझे लगता है गलत हो सकता है। देखो विशाल ने अलग आंसर दिया है कि 3-1 यहाँ पे आंसर थोड़ा सेम आ रहा है, तो इसलिए अपन ये नहीं बोल पाएंगे एग्जैक्टली अलग अलग है, बट ठीक है। फिर भी हम कह सकते हैं कि विशाल का आंसर अलग है, अर्नब का आंसर अलग है, संगू का आंसर अलग है। अब वो लोग ज़रूर बोल सकते हैं कि सर हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा है, विच इज़ डेफिनेटली आई बिलीव पॉसिबल, बट ठीक है। चलो इज इट डन क्या? बोलो यार। चलो चलो अब ट्राई कर लेते हैं। सभी का अलग अलग आंसर आ रहा है, सभी लोग जो है एकदम अलग अलग आंसर देने में लग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों के बीच में चैलेंज चलता है कौन ज़्यादा अलग आंसर देगा। आप सब लोग लड़ते होगे मेरे सबसे कौन ज़्यादा अलग आंसर देगा। अच्छा एक होगा एक्सपी,
एक होगा एक्स स्क्वायर इंटू पी, एक्स पी कितना होगा 8 इंटू 0.2 इक्वल्स टू एम प्लस, 12 इंटू 0.4 इक्वल्स टू एम प्लस, 16 इंटू 0.3 इक्वल्स टू एम प्लस, 20 इंटू 0.1 इक्वल्स टू एम प्लस। एम आर सी क्या ये आ रहा है 132.13.2। हाँ सर, एक्स स्क्वायर इंटू पी कितना होता है 8 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.2 इक्वल्स टू एम प्लस, 12 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.4 इक्वल्स टू एम प्लस, 16 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.3 इक्वल्स टू एम प्लस, 20 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.1 इक्वल्स टू एम प्लस। एम आर सी, अरे तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है यार, एक और बार करते हैं यार, 8 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.2 इक्वल्स टू एम प्लस, 12 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.4 इक्वल्स टू एम प्लस, 16 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.3 इक्वल्स टू एम प्लस, अरे बाप रे 20 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.1 इक्वल्स टू एम प्लस। एम आर सी सही आया था पहले भी, बट मैं इमोशनल हो गया था थोड़ा। 187.2। अब अगर मैं फॉर्मूला आप लोगों के रिकॉल के लिए लिख दूं तो हो रहा है सबमिशन, मैं मतलब दोनों फॉर्मूले लिखता हूं ताकि आपको आ जाए, ई एक्स स्क्वायर माइनस में ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अरे बोलो यार, तो ये हो रहा है सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी माइनस में सबमिशन ऑफ एक्स पी का होल स्क्वायर। तो भैया ये हो रहा है सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी, मतलब 187.2 माइनस में 13.3 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। सो एक सेकंड के लिए मैं एक बार ये वाला चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या इतनी बड़े वैल्यूज़ यूजुअली मैं देखता नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा कभी कभी डाउट हो जाता है। तो ये जो रीज़न है, मतलब मॉड्यूल में जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े छोटे नंबर्स के होते हैं, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जब मैं खुद क्वेश्चन देता हूँ तो 13.2 है, ये 13.2 है, 13.3 नहीं है, ठीक है 13.2 है, तो 13.2 का स्क्वायर भी निकाल देता जाओ जल्दी से, 13.2 का होल स्क्वायर। तो 13.2 का होल स्क्वायर होता है 174 point something। तो 187.2 माइनस 174.24। सर आंसर आ रहा है 12.96। बहुत ही बढ़िया, जिसे डेफिनेटली हम लोग चाहें तो 13 कह सकते हैं, गलत नहीं है बट ठीक है, गलत नहीं है बट ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मेरे एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऐसी कोई थ्योरी मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, मतलब मेरा ध्यान नहीं गया अभी तक, मेरे को इसे रिकॉल नहीं हो रही, बट मेरा एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि वेरियंस जो होता है हमेशा मीन से छोटा होता है। अब ऐसा क्यों होता है पता नहीं, बट ठीक है, मतलब क्यों होता है वो तो रीज़न भी उसके पीछे, पर एक बार तो थ्योरी एक बार जस्टिफाई करनी पड़ेगी, वो आपको एक बार थ्योरी जस्टिफाई करनी पड़ेगी। सो वो एक बार अपन थ्योरी डेफिनेटली जस्टिफाई कर लेंगे, बट एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको अपन ने अभी नज़र घुमाई थी। तो भैया कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको सारी वैल्यूज निकाल लेना चाहिए, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़्यादा एनर्जी नहीं बूस्ट करनी थी, ज़्यादा नहीं करना था, करने आना चाहिए, और अगर एक बार करने आ गया तो आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही क्या, चलो इज दैट क्लियर क्या। अब हमारा लास्ट डिस्कशन बचा है विच इज़ ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करवाना चाहता हूँ, कल हमारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ये रात वाली क्लास बंद कर देंगे यूट्यूब वाली, एंड विल बी शिफ्टिंग टू सैटरडे क्लासेस। ओके, वी वुड बी शिफ्टिंग टू सैटरडे क्लासेस। इससे होगा ये कि हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सारे डिस्कशन को करना। आई होप दैट इज़ वेरी 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 क्लियर टू एवरी वन, एंड थोड़ा ईजी भी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखता है, थैंक दैट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेकर्स मिलते, चलो बाय बाय। सिर्फ समझने की बात है कि किया जा सकता है, थोड़ा सा मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुतों को आता है जो ध्यान नहीं दे रहे हैं या जल्दबाजी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप लोग एग्जैक्टली क्या गलती कर रहे हो, जो भी गलती कर रहे हो आइडेंटिफाई करो और उसे क्लोज करो, ठीक है। गलतियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं, कब हो जाती है पता नहीं चलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा गलतियों पर ध्यान दो। एक लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ सब लोगों को, भैया कल आखिरी दिन है, तो अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लेना बेटा, मतलब मेरा इतना सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक नहीं लिया तो ले लेना, वेस्ट मत करना अपना टाइमिंग को। एंड ये ऑफ़र अब पक्का नहीं आएगा, बिकॉज प्राइज ही बढ़ जाएगी, तो ऑफर कितना भी आ जाए ये प्राइजिंग आपको वापस कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो जितने भी लोग हैं जेडी सर आप यूज़ कर सकते हो, एंड स्पेशल ऑफर्स हैं कैलकुलेटर और बुक्स वगैरह के, तो आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो। कोड जेडी सर आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा देखो, देखो है ना,
चलो सो कोड आप लोगों के सामने विजिबल है. सो इट्स अ लास्ट टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स हिट द टारगेट वेरी वेल. ठीक है चलो आई थिंक दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर द लिसनमेंट. बाय बाय टेक केयर. सो यू गाइस मिलते हैं. चलो बाय बाय सी यू टेक केयर.